नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर आज शाम तक फैसला हो सकता है। राहुल गांधी के घर पर सुबह हुई पार्टी नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी मौजूद रही और ऐसी खबर है कि गठबंधन पर अंतिम फैसला राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया है और संभव है कि आज शाम तक राहुल अपना फैसला सुना सकते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सदफ जाफर हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ शैलेंद्र शर्मा हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं सदफ जाफर जी के पास आना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सदफ जी, कितना रिव्यू करेंगे राहुल गांधी? देखिए, ये देश के भविष्य का सवाल है और पांच साल हमारी अगर सदफ जी सरकार पहला ही सेंटेंस पे आपको काउंटर करना चाहूंगी। देश के भविष्य का सवाल है या पार्टी के भविष्य का सवाल है? या तो आप पूरी अपनी बात कह लीजिए या फिर मैं कह लूं। आप काउंटर करिएगा, बाद में करिएगा, मुझे कर लेने दीजिए अपनी बात पूरी। जी कहिए। तो देश के भविष्य का सवाल है और जहाँ तक का पार्टी के भविष्य जो है वो पहले ही से तय हो गया था जब पार्टी का बनी थी पार्टी, है ना। तो तब से लेके आज तक पार्टी ने देश के भविष्य को एक बहुत अहम रोल प्ले किया है देश के इतिहास में भी और देश के मुस्तकबिल में भी करेगी। और जहाँ तक सवाल आता है गठबंधन का, वो राहुल जी का फैसला है। जो भी फैसला सही होगा आगे उसी को लेके आगे चला जाएगा। बिल्कुल, तो कितना रिव्यू करेंगे सदफ जी, यही मेरा सवाल है। क्योंकि काफी लंबे समय से गठबंधन की बात होती आ रही है। क्योंकि हम एक ऐसा गठबंधन नहीं करना चाहते हैं जहां पे आगे चल के दिक्कतें हो, इसलिए पहले ही गलती ऐसी जो है, ये अलायंसेस ऐसे नहीं होती है कि राजभर जी के साथ कर लिया और उसके बाद उन्होंने जीना हराम कर दिया बीजेपी का। तो हम जब अलायंस करेंगे तो सोच समझ के सारे प्रोज एंड कॉन्स को लेके, अपने हमारे यहाँ बहुत डेमोक्रेसी है, हम अपने सारे नेताओं को जो साथ में थे आज मीटिंग में उनकी राय को लेकर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं होती है कि एक इंसान फैसला ले ले और सबके ऊपर थोप दिया जाए। अब चलिए शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, अगर ये गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनावों में? देखिए शिखा जी, हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये गठबंधन हो जाए। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 6 वर्ष पहले तक आम आदमी पार्टी, उसका कोई अस्तित्व नहीं था और दिल्ली में आजादी के बाद से लगातार भाजपा और कांग्रेस सीधी सीधी लड़ाई लड़ते थे। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार का विकल्प देने के लिए आई थी जी। तो आम आदमी पार्टी जब शीला दीक्षित का विकल्प बनकर के आई और आज वो उसी कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो जाएगी, तो हमारे यहाँ जो तीसरे विकल्प के रूप में हमारे कुछ परंपरागत मतदाताओं को उन्होंने जो भ्रमित करने का काम किया था, वो हमारे दिल्ली के परंपरागत मतदाता वापस हमारे पास आ जाएंगे। और दिल्ली में कोई आम आदमी पार्टी के आने से वहां की डेमोग्राफी में कोई चेंज नहीं हुआ। वहां भाजपा और कांग्रेस 10 साल पहले तक सीधे सीधे लड़ती ही थी और हम चाहते हैं कि ये लोग एक साथ मिल जाएं, जिससे ये वैकल्पिक राजनीति देने का जो इनका नारा था ये एक्सपोज हो जाए। और ये और कांग्रेस जब एक पाले में खड़े होंगे तो हमें इन पे अटैक करना बहुत आसान होगा। और जहां तक कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए 2 वर्ष पहले, उसमें शायद प्रदेश नेतृत्व की इच्छा के विपरीत ही एक व्यक्ति ने फैसला कर दिया था कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में जाएं। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज किस स्थिति में है, ये पूरे प्रदेश को बताने की या देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो राजनीति में लोगों का मिलना जुलना, गठबंधन बनाना हटना, ये सब चलता है। लेकिन दिल्ली के जहां तक गठबंधन का सवाल है, वी आर रियली प्रेइंग कि ये दोनों लोग एक साथ खड़े हो जाएं और तब इनको हम लोग एक साथ काउंटर करें। सदफ जी क्या कह रही हैं, कहेंगी आप, क्योंकि आपने कहा है देश के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, देश के भविष्य का सवाल है। जहाँ पे बेसिक चीज़ें जो होती हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई,
ये तक लोगों को मुहैया नहीं है। मैल न्यूट्रिशन में सबसे आगे है देश, कितने बच्चे कुपोषित हैं, कितने बेरोजगारी जो है, एनएसएसओ की रिपोर्ट दबा दी गई लेकिन 45 साल में सबसे ज्यादा है। बुलेट ट्रेन का वादा था, बुलेट ट्रेन छोड़ दीजिए, पटरी पे कम से कम ट्रेन ही चला देते पीयूष गोयल तो काफी होता। जिस तरह के हालात बने हैं, इन हालात में जो भी करके, गुड़गांव में जिस तरह का हादसा हुआ, कुछ भी कहीं दुनिया में हो जाता है तो एक ट्वीट आ जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड में हिंदुस्तानी मारे जाते हैं मस्जिद में, एक ट्वीट नहीं आया। गुरुग्राम में गुंडे घुस के मारते हैं, कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई बात नहीं होती है, कोई काउंटर नहीं होता है प्रधानमंत्री के, उसमें ताले लग जाते हैं। इस तरह की फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें जो भी मुनासिब गठबंधन करना पड़ेगा हम करेंगे, ताकि ये जाएं, हम आपस में देख लेंगे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। फिलहाल ये फांसीवादी सरकार को हर हाल में जाना ही होगा, जिसने हर किसी के साथ छल किया है, ठीक है, झूठ बोला है, देश के ऊपर राष्ट्रवाद का गाना गाते रहे और इमरान खान को लव लेटर लिखते रहे, ये है इनका कैरेक्टर प्रधानमंत्री मोदी का। सदम जी, छोटा सा एक सवाल, क्या गठबंधन होगा या नहीं, क्योंकि अभी भी दो धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। ये नहीं, दो धड़ों में नहीं है, जैसे कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई सबका इंडिविजुअल डिसीजन लिया जाएगा, सबकी राय ली जाएगी और डिसीजन अल्टीमेटली जो है वो आला कमान लेंगे, वो जो भी लेंगे, देश की जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, शैलेंद्र जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे जी? देखिए, हम लोग इस बात से बहुत प्रसन्न हैं जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बात चल रही है, क्योंकि ये गठबंधन अब हो और या ना हो, लेकिन ये दिल्ली की जनता के सामने ये विषय पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया कि आम आदमी पार्टी जो वैकल्पिक राजनीति के एजेंडे को लेकर आई थी, कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित के भ्रष्टाचारों को टारगेट करके और केंद्र की सरकार पे लोकपाल के आधार पे निशाना बना के आई थी, इसने गठबंधन के लिए कांग्रेस की ओर अपना रुझान प्रकट किया। अब दिल्ली में ये पूरी चर्चा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए अब ये गठबंधन हो या ना हो, दिल्ली में और पूरे देश में ये मैसेज जा चुका है कि कांग्रेस के 40 वर्षों के पापों में आम आदमी पार्टी ने अपने पापों के घड़े को एक साथ क्लब कर दिया है और अब वो गठबंधन करे या ना करे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आपने दर्शकों को बताते हैं कि गठबंधन जो है, जिसपे रस्साकशी हो रही है काफी लंबे समय से, कांग्रेस अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, उनके पाले में ये गेंद डाल दी गई है। हालांकि जैसा कि सदव जी कह रही हैं कि देश के भविष्य का सवाल है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अगर गठबंधन होता है तो पार्टी का भविष्य यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी नौका यात्रा के बाद अब रेल यात्रा के जरिए लोगों से संपर्क साधेंगी। प्रियंका गांधी 27 मार्च को दिल्ली से फैजाबाद के बीच रेल यात्रा करेंगी। इस यात्रा के दौरान बीच में आने वाले सभी सीटों पर लोगों से बातचीत करेंगी। बता दें कि चुनाव में मतदाताओं से संपर्क के लिए इससे पहले प्रियंका ने प्रयागराज से वाराणसी के बीच नौका यात्रा की थी। प्रियंका गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंटे के जरिए चुनावी अभियान को धार देने में जुटी हुई हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए अब प्रियंका भगवान राम की नगरी अयोध्या का दौरा करने जा रही हैं, जहां वो हनुमानगढ़ी जाएंगी। प्रियंका लगातार अपने दौरे से बीजेपी के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रोड शो भी करेंगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो पवित्र शहर के किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगी या नहीं। प्रियंका दिल्ली से कैफियत एक्सप्रेस से फैजाबाद के लिए रवाना होंगी। तो हमारे साथ लगातार बने हुए सदफ जाफर, प्रवक्ता जो कांग्रेस की हैं, साथ ही साथ डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। पहले मैं शैलेंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, कितनी बड़ी चुनौती है प्रियंका गांधी बीजेपी के लिए? देखिए, प्रियंका जी ये जितनी यात्राएं कर रही हैं उससे वो भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। प्रियंका जी की जो ये यात्राएं हैं इससे तकलीफ अखिलेश यादव और गठबंधन के साझेदारों को हो सकती है,
और वास्तव में प्रियंका गांधी यहाँ जितनी सक्रियता से काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी सक्रियता का स्वागत करती है। प्रियंका जी प्लेन से चले, ट्रेन से चले, जल मार्ग से चले, थल मार्ग से चले, उससे चिंता होने की जरूरत अखिलेश यादव जी को हो रही होगी। हमें कोई उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो एजेंडा है और हमारा जो मतदाता है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। हाँ, अखिलेश जी और मायावती जी चिंता करें कि उन्होंने जो ये ब्लंडर किया है कि लोकसभा के चुनाव में उनको एक राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करना था, वो यहाँ बसपा से कर बैठे, और विधानसभा में जब गठबंधन उनको बसपा से करना था तो उसमें कांग्रेस से कर बैठे, तो ये तो अखिलेश जी का ब्लंडर है, इसलिए ये तो उनको भोगना पड़ेगा। प्रियंका जी की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में वो सक्रिय हो जाए जी, और पूरे प्रदेश में पूरी सक्रियता से अपनी पार्टी का अभियान आगे करें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। चलिए, आपकी शुभकामनाएं उनके साथ है। सदभ जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये तो देखिए, मुझे सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन इस बात का है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो आपने बात कही, तो वो जो है वो दरगाह भी जा रही हैं, जिसको मीडिया कवर करे। मैं चाहूंगी कि वो ना सिर्फ वहां जा रही हैं मंदिर में, तो दरगाह भी जा रही हैं, जो जगह जहां के लिए मशहूर है और जो उनकी आस्था है, नेचुरल है कि वो वहां जाएंगी। तो वाराणसी जब वो गई तो वो मंदिर में भी गई, तो मिर्जापुर गई, तो दरगाह भी गई। तो ये एक चीज है कि सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। आप कहीं पे भी जाते हैं, आस्था की जगह होती है तो आपका माथा अपने आप झुक जाता है अगर आप सेक्युलर हैं जी। तो पहली बात। दूसरी बात, गंगा माँ के पुत्र ने गंगा माँ को, गंगा माँ ने बुलाया था गंगा माँ के पुत्र को, लेकिन ना उन्होंने गंगा माँ की सुधली। पिछले 3 साल में गंगा सबसे ज्यादा मैली अभी हुई है, ये रिपोर्ट्स आई हैं, और ना ही गंगा के तट पे रहने वाले लोगों की, नाविकों की, खेटकों की, निषादों की खबर ली गई। तो जब प्रियंका गांधी जी ये 3 दिन का दौरा किया है तो भदोही के कारपेट वीवर्स से मिली हैं, वो बनारस में साड़ी बुनकरों से मिली हैं, वो और जो लोगों से मिली हैं लगातार, शिक्षा मित्रों से मिली हैं, जिनसे लंबे लंबे वादे किए और सिवाय पैसे देने के बजाय लाठियां दी सरकार ने, उनके दरवाजे पे आके सर मुंडाती रही महिलाएं और दरवाजे से निकल के नहीं आई योगी जी महाराज जी। तो ऐसे लोगों से मिली है वो, तो क्या इम्पैक्ट होगा? वो इम्पैक्ट नजर आ रहा है और 23 मई को खुल के वो इम्पैक्ट सबके सामने आएगा। बिल्कुल सदभ जी, आप सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए बोल रही हैं कि आपको एतराज है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिस तरीके से प्रियंका गांधी चल रही हैं, नौका यात्रा कर रही हैं, कई मंदिरों में भी गई, उससे साफ तौर पर वाराणसी में भी गई वो। नौका यात्रा मुसलमान नहीं करते। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की हिंदुत्व की छवि है वहां तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदुत्व की छवि नहीं, यहाँ पे सिर्फ विकास का जो इन्होंने एक बनाया था कि विकास पुरुष जो चौकीदार बन के रह गए, काश कि वो विकास पुरुष अपने नाम के आगे लगवाते चौकीदार की जगह। तो वो जो विकास का इन्होंने जो एक बनाया था बबल, बड़ा सा बबूला बनाया था झूठ का, उसको प्रिक कर रहे हैं। मैम, चौकीदार जो नाम दिया गया है उन्होंने तो कहा था चौकीदार चोर दिया गया है उन्होंने, तो बस ये नहीं 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 नहीं, उन्होंने खुद कहा था मोदी जी ने कि मैं चौकीदार हूं, तो हमने तो बस इतना कहा कि भाई चौकीदार अगर आप हैं तो आप चोर हैं। और दूसरी बात ये भी कही कि चौकीदार अमीरों के दरवाजे पे होता है, आवारा मवेशी को किसान खुद रखा रहा है, अपने घर के खर्चे जो है मुसीबतें नहीं पूरी कर पा रहा है, युवा और शिक्षक वो चौकीदार रखने की हैसियत रखते हैं। चौकीदार और पकौड़े का प्रोफेशन तो मोदी जी है, मोदी जी चौकीदार और पकौड़े की तलवार है। शिखा जी, ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनको मौत का सौदागर कहा जाता था, थे ही। उसके बाद में इस देश में कुछ लोगों ने कहा कि हम पार्लियामेंट के बाहर उनकी चाय की घुमटी खुलवा देंगे, फिर चौकीदार चोर है। अब ये सब गालियां सुनने की हम लोगों को आदत पड़ गई है, गालियों से हम लोग अपना कर्तव्य और जो हमारा लक्ष्य उद्देश्य है उससे हम लोग भटकने वाले नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष को जितनी गालियां है देना है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को देना है, वो गालियां दे सकते हैं। जनता दे रही है देश की, देश की जनता, जिनसे झूठ बोला है वो दे रहे हैं, तो जिनके खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए वो दे रहे हैं, शिखा जी 2014 में नहीं चली वो दे रहे हैं, शिखा जी 2014 में रोजगार का वादा था जो रोजगार
वेट की मर्यादा नहीं है। शिखा जी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत मिला तो इन्होंने कहा कि हमने जुमलेवादी पार्टी है, हमने सपने दिखाए। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें मिली तो उसके बाद में फिर वही कहने लगे। आखिर जब देश की जनता हमको जनादेश देती है तो हम जुमलेबाज हो जाते हैं, हम झूठे सपने दिखाने वाले हो जाते हैं, और जब इन सबसे भी काम नहीं चलता तो कह देते हैं कि ईवीएम मशीन ही बहुत बड़ी खराबी है। अब जब ईवीएम से आप कर्नाटक में, शैलेंद्र जी मध्य प्रदेश में, छोटा सा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेते हैं, छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, एक सेकंड सदम जी, एक मिनट शिखा जी, एक सेकंड शिखा, हां जी जी प्लीज प्लीज सदम जी, एक सवाल आपसे छोटा सा करना चाहूंगी। प्रियंका गांधी यहाँ चुनावी मैदान में उतरी थी लेकिन फिर भी उनको गठबंधन से परे कर दिया गया, बहुत छोटी उसमें आंसर दीजिएगा। क्या बात कर रही है कि वो उतरी थी और उनको अलग कर दिया गया, गठबंधन तो पहले ही तय हो गया था, कांग्रेस पार्टी को अलग कर दिया गया। प्रियंका गांधी जी का नाम तो बहुत बाद में आया है, गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को अलग नहीं किया गया है। पांच, जब हम लोग तीन राज्यों में पूर्णतः जीत कर आए हैं तो हमने खुद ही कहा था कि हम जो है वो आगे बढ़कर अकेले लड़ेंगे और हमने खुद गठबंधन में हिस्सा नहीं लिया था। अगर इतना ही गठबंधन की बात होती तो दो सीटें उन्होंने छोड़ी है, सात सीटें हमने छोड़ी हैं, लेकिन गठबंधन विपक्ष पूरा एक साथ आज भी है, तब भी था आज भी है, लेकिन गठबंधन से अलग नहीं लड़ा गया है। सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, वो अपने और अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। फ्रंट फुट से लड़ने की बात कही है राहुल गांधी जी ने और कार्यकर्ता उत्साहित है, हमें किसी गठबंधन में जाना ही नहीं था। बिल्कुल, आपसे ज्यादा मायावती जी रहे थे, सदर जी आपको याद दिला दें, सीट तक आ गया था। सदर जी आपको याद दिला दें, मायावती जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि कांग्रेस के गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन करने की हमको जरूरत नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, मेरे पास तमाम डेट्स मौजूद हैं, जब लगातार अखिलेश यादव जी कहते रहे हैं कि दो सीटें उनके पास है, वो गठबंधन में शामिल हैं, ये राहुल जी ने नहीं कहा है लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार प्रेस वार्ता में ये बात कहते रहे हैं। चलिए चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, तो लगातार जो है सदफ जी जफर कांग्रेस की प्रवक्ता और शैलेंद्र शर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनसे सवाल कर रहे हैं, जो तमाम लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तमाम जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनके ऊपर उनसे सवाल किए जा रहे हैं। एक और जो बड़ी खबर और सनसनी बनकर आई है चुनावों में, उनकी बात अब कर लेते हैं, सपना चौधरी की। सपना चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है कांग्रेस में शामिल होने वाली खबरों के खंडन के बाद। आज सपना का एक और फोटो सामने आया है जिसमें वो मनोज तिवारी के साथ दिखाई दे रही हैं। वहीं इसके बाद मनोज तिवारी ने बयान देते हुए कहा कि सपना का पुराना फोटो डालकर कांग्रेस ने सुर्खियां बटोरने का काम किया था। और लगातार हमारे साथ सदफ जाफर और शैलेंद्र शर्मा बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने। कल सपना ने जिस प्रकार से पीसी की है और जैसे उन्होंने बताया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन की नहीं हूं, ना तो मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगी, बिल्कुल स्पष्ट है वो, फिर ये कैसे एक पुरानी मुलाकात और फोटो को लेकर के उसको ऐसा फैलाया गया। वो एक आज के डेट में बहुत बड़ी सुपरस्टार है, तो एक सुपरस्टार को बिना उसका संज्ञान लिए हुए, बिना उसकी अनुमति के एक पार्टी फैला देती है कि उसने ज्वाइन कर लिया, वो प्रचार करेगी, वो मथुरा से चुनाव लड़ेगी, तो ये सब बहुत ही बड़ा दुखद है। और लगातार हमारे साथ बने हुई हैं सदफ जी, आपने सुना होगा मनोज तिवारी ने क्या कहा है, सिर्फ एक ही सवाल, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सदफ जी क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? सदफ जी क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? क्या आप सुन पा रही हैं हमारी आवाज सदफ जी? तो आपको बता दें कि सपना चौधरी जिनके राजनीति में उतरने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब उन बातों का खंडन उन्होंने खुद सामने आके किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में अभी नहीं आ रही हूं और कांग्रेस से बिल्कुल भी नहीं आ रही हूं। उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर साझा की है
मनोज तिवारी के साथ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर जो है वो वायरल हो रही थी और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो राजनीति में उतरेंगी और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद सपना चौधरी ने खुद इन बातों का खंडन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रही हैं और राजनीति में उतरने का उनका कोई इरादा नहीं है, और इसको लेकर उन्होंने मनोज तिवारी के साथ फोटो भी साझा किया है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और शैलेंद्र शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, ये राजनीतिक जो उठापटक है वो चल रही है, ठीक है, लेकिन ये जो हुआ कि सपना चौधरी के आने की बात हुई उसके बाद वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि ना ही मैं राजनीति में आ रही हूँ और ना ही मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, सिंपल से सवाल, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, सपना चौधरी जी एक बहुत बड़ी स्टार है और जब चुनाव का समय है तो ऐसे सेलिब्रिटीज़ को लेकर के किसी प्रकार से कोई भ्रामक ऐसा दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड था या कांग्रेस पार्टी ने डेलिब्रेट मूव किया या ये सोशल मीडिया की देन है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खंडन करना पड़ा, उसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रचार हुआ और ये प्रचार वास्तविकता से परे था, और इसी कारण से जो कुछ पुराने ऐसे उनके, देखिए सेलिब्रिटी की तस्वीरें किसकी के भी साथ हो सकती हैं और वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उसको सेलेक्टिवली इलेक्शन के टाइम में उसको इस तरीके से इस्तेमाल करके प्रोपेगेट करना कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर हो रही है, मैं समझता हूँ ये राजनीति की स्वस्थ परंपराओं के खिलाफ है। इससे प्रत्येक राजनीतिक दल को बचना चाहिए। बिल्कुल, सदाब जी क्या कहेंगे, राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं शैलेंद्र जी इसको? मैं स्टंट नहीं कह रहा। देखिए ऐसा है कि शैलेंद्र जी की पार्टी ने जब सपना जी के ज्वाइन करने की बात हुई थी कांग्रेस, तो जिस तरह के बयान दिए थे उसको मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, है ना जी। ये तो पार्टी की जो इज्जत करना और विचारधारा की दूसरी पार्टियों की इज्जत करने की बात है, ये तो ये मुझे ना बताएं कि क्या होता है। खैर, कांग्रेस पार्टी ने एक जो फॉर्म भरा जाता है जब आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो फॉर्म को पब्लिक किया है, और सपना चौधरी जी की पर्सनल चॉइस है, वो कांग्रेस के साथ रहना चाहे, प्रचार करना चाहे, या वो कहीं और किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहें, मनोज तिवारी जी से मिलना चाहें, चाहे प्रियंका गांधी जी से मिलना चाहें, इसको वो कम्प्लीटली, एक लोकतंत्र है और हम इसका सम्मान करते हैं। हो सकता है कि वो किन्हीं हालात में उन्होंने ज्वाइन किया हो कुछ आकांक्षाओं के साथ जो पूरी नहीं हुई और अगले दिन वो मुकर गई उससे, हम उसका भी सम्मान करते हैं। ना हमने पहले कभी कैरेक्टर असैसिनेट किया था, ना अब करते हैं और ना आगे करेंगे, भले ही वो बीजेपी को क्यों ना ज्वाइन कर लें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी सपना जी के विषय में। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शैलेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही साथ सदफ जाफर जो है प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ी हुई थी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम सवाल हमने उनसे किए गठबंधन को लेकर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा या नहीं, इस पर काफी लंबे समय से रस्साकशी चल रही है और जो राहुल गांधी हैं उनके पाले में बॉल डाल दी गई है पूरी तरीके से कि वो ऐलान कर सकते हैं शाम तक कोई बड़ा कि गठबंधन होगा या नहीं। वहीं सपना चौधरी के बारे में भी हमने यहाँ पर उनसे डिस्कस किया, क्या कुछ कहना है। तो राजनीति है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है कि उठापटक अभी जारी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।